हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गॉडजिला एक्स कॉन्गो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गॉडजिला एक्स कॉन्गो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है।
के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे।
वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोर रहे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोर रहे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है।
पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़चिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़चिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई
23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोर रहे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गॉडजिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोर रहे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गॉडजिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोर रहे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में
क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। इनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गॉडजिला एक्स कॉन्गो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुणाल खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गॉडजिला एक्स कॉन्गो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुणाल खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। क्रू और गॉडजिला एक्स कॉन्गो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ
आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़ जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुणाल खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़ जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़ जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़ जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुणाल खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़ जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़ जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन
फिल्म में 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़जिला एक्स कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोरे है। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एक्स कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एक्स कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़जिला एक्स कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोरे है। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एक्स कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एक्स कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43,75,00,000 रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़जिला एक्स कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई
76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का, प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी है फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़चिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का, प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी है फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़चिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़चिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का, प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी है फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है।
वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोर रहे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में
क्रू और गॉडजिला एक्स कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। क्रू और गॉडजिला एक्स कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गॉडजिला एक्स कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। क्रू और गॉडजिला एक्स कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वही दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गॉडजिला एक्स कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गॉडजिला एक्स कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। क्रू और गॉडजिला एक्स कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। के मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ
आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की और गढ़जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76 करोड़ 28 लाख रुपए हो गए है। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75 लाख रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62 करोड़ 14 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में क्रू और गढ़जिला एफ कांगो द न्यू एम्पायर लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। वीकेंड के बाद भी यह दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। उनके मुकाबले सिनेमा घर में प्रदर्शित होने वाले अन्य फिल्मों की रफ्तार काफी धीमी है। क्रू की तारीफ आम लोगों के साथ फिल्म सितारे भी कर रहे हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशक राज ए कृष्णन ने किया है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेन की अदाकारी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते शानदार कमाई करते हुए 43 करोड़ 75 लाख रुपए बटोरे थे। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। 12वें दिन
फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 62,14,00,000 रुपए की कमाई की और गढ़ जिला एफ कांगो न्यू एम्पायर की भी भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में भी यह फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल होती दिख रही है। 12वें दिन इस फिल्म ने 2,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की कुल कमाई 76,28,00,000 रुपए हो गए हैं। वही बात करें मांडवा एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी टिकट खिड़की पर कुछ खास नहीं रहा है। कुमार खेमू के निर्देशक में बनी यह फिल्म 19वें दिन 75,00,000 रुपए का कारोबार कर सकती। फिल्म की कुल कमाई 23,65,00,000 रुपए की कमाई अब तक की है। वही क्रू ने 43,75,00,000 रुपए बटोरे हैं। वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 12वें दिन फिल्म ने 2,14,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। वही फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 62,14,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है।